नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है नितिन जी ने। नितिन जी ने पहले भी हमें 2-3 कहानियाँ भेजी है और ये उनकी शायद तीसरी या चौथी कहानी है। लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई है वो बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहानी पहले किसी और चैनल पर शेयर की थी और वो चाहते हैं कि इस कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूँ और इसलिए मैं इसे अपनी आवाज़ में सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है छलावा और ये कहानी नितिन जी के निजी अनुभव पर आधारित है। बाकी जिन्होंने ये कहानी पहले सुनी है और अगर वो इस कहानी को मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो कहानी को ज़रूर सुनिए। तो चलिए आज की ये कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम नितिन कुमार है। शिवराज जी के इस मंच पर मेरी ये एक और स्टोरी है। मैं रोज़मर्रा के जीवन में पारलौकिक चीज़ों को बहुत बार देख पाता हूँ, उन्हें महसूस कर पाता हूँ। आगे क्या होने वाला है, कुछ अच्छी या बुरी घटना का मुझे पूर्वाभास हो जाता है। मुझे अक्सर आत्माएं दिखती है। सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियों के आसपास होने पर मैं उनकी मौजूदगी पहचान जाता हूँ, आत्माओं से संपर्क कर पाता हूँ, फिजिकल और मेंटल हीलिंग कर पाता हूँ। शायद ये मेरा बर्थ गिफ्ट है। कुछ लोग इसे उपहार समझ सकते हैं, वहीं कुछ लोगों के लिए ये श्राप जैसा है। खैर, ये तो अपनी अपनी भावना है, मैं इसे गॉड गिफ्ट की तरह समझता हूँ। इस वजह से पारलोक की गतिविधियों के तरफ मेरा रुझान बहुत है। आज मेरी आयु 29 वर्ष है। ये मेरी आपबीती उस समय की है जब मैं तंत्र क्षेत्र में नया नया साधक था। यह अनुभव काली साधना के अनुभव के वर्षों के आसपास का है। उन दिनों मैं अपने एक दोस्त के किसी रिश्तेदार की शादी में अपने बड़े भाई और कुछ दोस्तों के साथ गया हुआ था। हालांकि मैं जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि सुबह से कुछ बुरा एहसास आ रहा था कि कुछ तो बुरा होने वाला है। दोस्तों ने कहा कि भाई तुम ज्यादा सोचते हो, हम हैं ना साथ में, हमारे साथ चलो, कुछ मूड भी ठीक हो जाएगा। तो मैं रात को 8 बजे उनके साथ चला गया। हमने बारात, शादी, डांस में बहुत मजे किए, पर नाचते हुए मेरे 2 दोस्त में जोरदार वाद विवाद हो गया। वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने उन्हें समझाया और वहां से दूर चला गया। मेरा शादी वाला मूड था वो बिगड़ गया था, तो ये और बाकी दोस्त मुझे समझाने और मनाने लगे। झगड़ा शांत हो गया था। वहां से हटकर हम लोग पंडाल में चले गए, खाना खाने लगे, तो तभी फिर से बात बात में विवाद फिर से शुरू हो गया। मेरा मूड फिर खराब हो गया, तो मैंने थाल वही रख दी और कहा कि तुम लोग झगड़ते रहो, मैं घर जा रहा हूं। हालांकि मुझे बाइक चलानी नहीं आती थी और मेरा घर वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर था। रात के तब 1 बज रहे थे। मैं गुस्से में उठा तो मेरे दोस्त मुझे रोकने मेरे पीछे दौड़े। मैंने पंडाल का कपड़ा उठाया और एक तरफ नीचे से बाहर को निकल गया। बिना रुके 5-6 कदम और आगे बढ़ा। ये मेरी बड़ी गलती थी, पर मुझे ये पता नहीं था कि आज मेरे साथ जिंदगी का इतना बड़ा हादसा होने वाला है। पारलौकिक जगत का एक बड़ा अनुभव मिलने वाला है। मैं जैसे ही पंडाल से बाहर हुआ, ठंडी हवा का झोंका मुझे छूकर निकल गया। मैंने आंखें मीची और गहरे सांस ली। मेरे शरीर में कपकपी सी छूट गई। अचानक से सन्नाटा छा गया, आसपास तेज अंधेरा और सन्नाटा। मैंने पलट के देखा तो मैं जिस पंडाल से निकला था वो अब मेरे पीछे नहीं था। न शादी का कोई शोर था, न वो पंडाल, एकदम सुनसान। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या करूं, कहां जाऊं। मैं कुछ पल भर में कहां आ गया था मुझे कुछ समझा ही नहीं। मैं गुस्से से भरा हुआ तो था ही, न जाने क्यों मुझे इतना आभास भी नहीं हुआ कि मैं ख्याल कर सकूं कि मैं कहां हूं। और मैं आगे बढ़ गया। बस इतना पता था कि वो किसी तरह का जुताई किया हुआ खेत है। आगे चलने लगा तो यूं महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मैं उसके और मेरे कदमों की आवाज सुन सकता था। मैं डर से लड़खड़ाने लगा कि यदि मेरे दोस्त हो तो वो आवाज देंगे, पर वो कोई खुसफुसाहट सी आवाज थी। मैं और तेज चलता। जितनी तेज मैं चलता उतनी तेज वो एहसास वो कदमों की आवाज में महसूस कर सकता था। लगता था जैसे कोई बराबर मेरे साथ ही चल रहा है। मैं रुकता
तो वो भी रुक जाता था, तो मैं न चाहते हुए भी दौड़ पड़ा। आसपास तेज अंधेरा था और मैं पसीने से लथपथ। आसमान में बादलों ने चांद को थोड़ा ढक रखा था और चांद की हल्की रोशनी थी बस, फिर भी आसपास देख पाना मुश्किल था। मैं कांटे, झाड़ियों, टीलों, पत्थरों से टकराता भागता रहा और तभी पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा, रुक, रास्ता भूल गया क्या? वो सुनते ही मैं किसी पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। मैं घबराते हुए यह वहां देख रहा था, पर वहां मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं मन ही मन में सोच रहा था कि हे भगवान, ये मैं कहां फंस गया और मैं क्यों आ गया था इस शादी में। मैं थोड़ा संभला तो याद आया कि मेरे पॉकेट में मोबाइल है। मैंने उसे निकाल कर उसकी फ्लैशलाइट शुरू कर दी। देखा तो फोन में बैटरी भी बहुत कम थी और नेटवर्क तो बिल्कुल भी नहीं था। किसी दोस्त को फोन करता भी तो कैसे। आसपास घबराते हुए देखा कि आवाज देने वाला कौन है। मेरे मन में कई सवाल थे, ये कोई चोर लुटेरा या कोई भूत तो नहीं? ये जगह कौन सी है? क्या मैं मरने वाला हूं? मैं घर कैसे जाऊंगा? मैं खुद को संभालते हुए आगे बढ़ा। एक पेड़ दिखाई दिया जिसके नीचे मिट्टी का टीला सा था। मैं थककर उसी पर बैठ गया। तभी किसी ने मेरी पीठ पर जोरदार पंजा मारा। उस पंजे पर तेज नाखून भी थे और वो साधारण हाथों से काफी बड़ा था। मैं आगे की ओर गिर गया। मेरी शर्ट उसके नाखूनों की वजह से पीछे से फट गई थी और पीठ पर तेज दर्द के साथ जलन का एहसास हुआ, मानो कि पीठ पर गर्म रॉड से चीरा गया हो। मैं संभल के उठा। मेरे हाथ में उसी पेड़ की सूखी सी डाली लग गई। मैं पागलों की तरह चलाता हुआ डाल यहां वहां घुमाने लगा। डरा हुआ तो था ही, पर फिर भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, गालियां देने लगा। कौन है? कौन है? जो भी है सामने आ। उसी पल मैंने वो भयानक हंसी सुनी। मेरा खून जम सा गया। मैं कुछ देर समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। फिर उसने आदमी की तरह एक भयानक आवाज में कहा, तुझे यहां नहीं आना चाहिए था, पर अब चल मेरे साथ, मेरे घर चल, मैं तुझे आराम से सुला दूंगा। मैंने घबराते हुए मोबाइल की रोशनी ऊपर की। देखा तो पेड़ के पीछे से दो भयानक लाल पीली आंखें चमक रही थी। नुकीले तीखे सफेद दांत दिखाई दे रहे थे। वो मुझे देखकर बहुत भयानक तरह से मुस्कुरा रहा था। उसके गले, चेहरे पर काले सफेद बाल थे। वो अपने बालों भरे पंजे से तेज नाखून से पेड़ के तने को खुरच रहा था। मैं मन ही मन में बोल पड़ा, हे भगवान, ये क्या है? कोई पिशाच, शैतान, कौन सा राक्षस है ये? मैं वहां से फिर बेतहाशा अंधाधुंध भागा। वो पीछे से किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए चीख रहा था। मुझे लगा कि आज तो मेरी मौत तय है। मैं उस जगह से कुछ दूर भागा तो एक कच्ची सड़क नजर आई। अंदाजा लगाकर मैं ये सोचकर दौड़ पड़ा कि इस रास्ते से कहीं तो पहुंचूंगा। दौड़ते हुए मेरा गला सूख चुका था। मैं पसीने से लथपथ था और डर से बेहाल। अपने घर वालों के बारे में सोचकर परेशान था। मुझे चक्कर सा आया तो मैं घुटने के बल हाथों से चेहरे को पकड़कर सिर सड़क पर नीचे करके सड़क के बीचों बीच ही बैठ गया। सिर जब ऊपर उठाया तो देखा कि चांद की रोशनी तेज हो चुकी थी। मैं किसी गांव के बीच था, पर आसपास का नजारा आश्चर्यजनक था। आसपास 6-7 घर थे। मैं जिस जगह से सड़क पर आया अब वो जगह वहां थी ही नहीं। पर यह कैसा गांव है? न कोई लोग, न कोई जानवर, न किसी भी घर में दरवाजा। सारे घर मिट्टी के बने हुए थे और एकदम साफ सुथरे। मैं रास्ता पूछने के उद्देश्य से वहीं एक घर के पास चला गया। वहां पर लाल रंग का नाइट बल्ब जल रहा था बस। वहीं आंगन पर एक खाट बिछी हुई थी और उस पर एक बूढ़ा आदमी पेट के बल लेटा हुआ था। मैंने फिर से एक नजर आसपास देखा। सारे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। न हवा की आवाज, न झिंगुरों की आवाज, एकदम भयानक, डरावनी सी शांति। मैं उस बूढ़े की खाट के किनारे चला गया। अब तो मेरा मोबाइल भी बंद हो चुका था, पर मैं बार बार आसपास देख रहा था कि कहीं वो भयानक आकृति मेरे आसपास तो नहीं, कहीं से वो मुझे देख तो नहीं रही। पर मैंने अपने आप को शांत किया।
मैं उस बूढ़े को आवाज देते हुए उसकी पीठ हिलाते हुए उठाने लगा। दादा दादा, ये कौन सा गांव है? दादा दादा, उठिए ना, ये कौन सा गांव है? मैं रास्ता खो गया हूं, प्लीज मुझे रास्ता बता दो। मैं बहुत डरा हुआ हूं, बहुत प्यास लगी है। दादा दादा दादा, प्लीज उठो ना। और फिर मुझे एक आवाज आई, रास्ता भूल गया है तो जाकर घर के भीतर सो जा, या मेरे बगल में सो जा। मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा, नहीं दादा, मुझे घर जाना है, मैं रास्ता भटक गया हूं, मेरी मदद करो दादा। उसने अचानक गर्दन घुमाई तो मैं डरकर और पीछे हट गया। वो वही था, मैं उसकी आंखें नहीं भूल सकता। सड़ा गला हुआ बालों वाला चेहरा, लाल पीली आंखें, लंबे दांत। वो हंसा और बोला, पानी पिएगा, पानी पिएगा। और वो फिर जानवरों की तरह चीखा। मैं उल्टे पांव ही फिर भागा। मैं बिखल बिखल के रो रहा था, भाग रहा था। बचाओ, कोई मदद करो, ऐसे चिल्ला रहा था। पर अभी मुसीबत खत्म कहां हुई थी। भागते भागते बस पलक झपकते ही सामने का सारा दृश्य बदल गया। मैं किसी जंगल के बीच था, आसपास जंगल और सन्नाटा, और उसके बीच में गुजरती हुई एक रोड। वहां पर एक पुल की तरह कुछ था, मैं उस पर बैठ गया और नियति को मानने की कोशिश करने लगा। मैं अपने आप से ही बात कर रहा था, बेटा आज तो तू नहीं बचेगा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। प्यास से मेरा गला सूख रहा था, चक्कर आ रहे थे। मुझे लग रहा था कि मैं लगभग 4-5 घंटों से यहां वहां दौड़ ही रहा हूं। मैं थककर बेहाल हो चुका था, ये रात गुजर क्यों नहीं रही, और सोच रहा था कि अब और नहीं। तभी उस पुल की दोनों तरफ से दो बूढ़े निकल कर आए। वो दोनों ही मेरे दोस्त की तरह हूबहू दिख रहे थे, शक्ल आवाज भी वही थी, बस उनकी उम्र 70-80 साल की लगभग थी। मुझे देर न लगी समझने में कि ये कोई छलावा है। उन्हें देखकर डरकर मैं फिर से भागने लगा तो उन्होंने पीछे से मुझे आवाज दी, कहाँ जा रहा है, चल घर छोड़ देता हूं। ये आवाज मेरे दोस्त की थी। मैंने उस आवाज को पहचाना और मैं रुक गया, लेकिन कहीं ना कहीं तो अंदर में यह जानता था कि वो मेरा दोस्त नहीं है। मैंने पलटकर भी नहीं देखा कि कहीं ये वही शैतान न हो। मैं अपना सिर सड़क की तरफ झुकाकर बस हल्के कदम बढ़ाने लगा। वो दोनों पीछे से आए, मेरे दोनों कंधों पर पीछे से हाथ डाला। वो आकार में साधारण से काफी ऊंचे, लंबे और चमकीले से थे, मतलब उस अंधेरे में भी चमक रहे थे, पर मैं उनके चेहरे की तरफ देखना ही नहीं चाहता था। उसके पास चिल्लम जल रही थी। उसने मेरे तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये ले, पी ले इसे। मैंने कुछ जवाब न दिया तो दूसरे ने बिल्कुल उसी तरह कहा, ले, पी ले इसे। मैं समझ तो गया था कि यह छलावा है या फिर दैयत बाबा, पर मैंने सोचा यदि मैंने मना किया तो भी मैं मरूंगा, और पिया तो भी। सच कहूं तो मैं उस वक्त कुछ भी समझ नहीं पा रहा था, पर उनकी बात मानने के सिवाय मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैंने बिना सिर उठाए चिल्लम थाम ली, एक गहरा कश खींचा, सिर आसमान की तरफ उठाया और धुआं ऊपर को धीरे धीरे छोड़ने लगा, और उसी के साथ मैं बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। मैं अभी किसी अंधेरी जगह पर किसी स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ा हुआ था, जो कि बार बार बंद चालू हो रही थी। वो एक तरह का तिराहा था। मैं उठकर वहीं पर बैठ गया। इस सारी घटना के बारे में सोचता रहा कि वो शैतान, वो बूढ़ा, वो दो चिल्लम वाले, वो जगह, समझ रहा था कि यह छलावा है, जिसे हमारे क्षेत्र में भूलन भैर या डगर भूलनी भी कहते हैं। फिर ध्यान आया कि किसी सयाने बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि यदि सीधे पांव का जूता उल्टे पांव में
और उल्टे पाँव का जूता सीधे पाँव में डाल लो और उल्टे पाँव के नीचे से मिट्टी उठाकर सिर के पीछे फेंको और पलटकर पीछे न देखो तो छलावा पीछे पड़ना बंद कर देता है और हमें सही रास्ता मिल जाता है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, पर मैंने ऐसा किया और आगे सीधा रास्ता चल दिया और धीरे धीरे आंखों के सामने सब धुंधला सा पड़ गया और एकदम से अंधेरा सा छा गया। मैं सड़क पर फिर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी आंखें मलने लगा। मुझे लगा कि मैं फिर से बेहोश होने वाला हूं, पर कानों में शादी वाली वो आवाज आने लगी, ढोल ताशे की आवाज। सामने देखा तो वही पंडाल था जिससे मैं बाहर निकला था। मैं दौड़ा और जल्दी से पंडाल का पर्दा उठाया। मेरे दोस्त मेरे सामने थे, वो मुझे ढूंढने के बाद आपस में बहस कर रहे थे कि नितिन तुम्हारी वजह से गया, अब आसपास के अंधेरे में कहां ढूंढे उसे। मैं उनके तरफ दौड़ा और उनको धक्का मारा कि सालों मरा नहीं हूं मैं। वो घबराकर मेरे गले लग गए, मैंने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वो तब मुझसे पूछने लगे थे कि मेरी हालत ऐसे कैसे हो गई थी। मैंने उन्हें बहुत गालियां दी, पर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे टेंट के निकलने के बाद वो भी उसी जगह से निकले थे, पर मैं उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। वो गाड़ियों से हर रास्ते पर मुझे ढूंढ के आ चुके थे। उन्हें लगा कि मैं किसी से लिफ्ट लेकर घर पहुंच गया हूं, पर जब उन्हें खबर हुई कि मैं घर भी नहीं पहुंचा तो वो मुझे वहीं पर ढूंढने लगे थे। मुझे फोन भी किया था लेकिन मेरा फोन कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा था। मेरी हालत देखकर वो सभी बहुत ज्यादा घबराए हुए थे क्योंकि मैं तब भी कांप रहा था। कपड़े शरीर हालत अस्त व्यस्त थी। मैंने खूब पानी पिया, अपना मुंह धोया और समय पूछा कि क्या वक्त हो रहा है, तो उस वक्त रात के मात्र 2 बज रहे थे। मतलब मुझे पूरी रात भागने दौड़ने का अनुभव हुआ है और यहां बस 1 घंटा बीता है। मैं तुरंत घर को निकला और रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है वहां पर सिर झुकाया और उसके बाद घर आ गया। अगले एक पूरा दिन मुझे बहुत तेज बुखार और पीठ में तेज दर्द रहा। तबीयत ठीक होने के अगले दिन मैं दिन में वापस उसी जगह पर चला गया। मैंने उस रात जिन जिन जगहों को देखा था उन जगहों से मिलती जुलती कोई भी जगह वहां नहीं थी। न वो पुल था, न वो तिराहा, और नहीं वो गांव, और नहीं वो पेड़। आज भी वो वाकया मुझे याद है। उस भयानक रात की यादें आज भी मेरे दिमाग में जिंदा है और जब भी मैं उन्हें याद करता हूं मेरी धड़कनें तेज हो जाती है। मैं नहीं समझ पाया कि मैं किसी दूसरी दुनिया के दरवाजे से किसी अलग आयाम में प्रवेश कर चुका था। वो छलावा था, वो पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई जगह थी, आत्माओं की दुनिया थी या क्या था। लेकिन उस सब अनुभव के बाद मेरा एक ही मानना था कि वो 2 एक से दिखने वाले चमकीले आदमी दैयत बाबा ही थे और उन्होंने ही मुझे उस छलावे से बाहर निकाला था। तो दोस्तों, ये है मेरा अनुभव, मेरे जीवन की एक भयंकर याद। तो आपको ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट कर जरूर बताएं। और हाँ, दैयत बाबा पर आधारित एक कहानी मैंने इससे पहले भी शेयर की है, अगर आप उस कहानी को सुनना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।